राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिभाऊ बागड़े को राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। अब हरिभाऊ बागड़े कलराज मिश्र की जगह लेंगे। राजस्थान समेत कई राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजस्थान के दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लेकिन हरिभाऊ कौन है, इनका सियासी सफरनामा कैसा है, चलिए आपको बताते हैं। हरिभाऊ का सियासी सफरनामा। हरिभाऊ का जन्म औरंगाबाद के चित्ते पिंपल गांव में हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। हरिभाऊ औरंगाबाद जिले की फुलंब्री विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। हरिभाऊ को नाना नाम से भी जाना जाता है। हरिभाऊ 13 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। वह बेहद गरीब परिवार से आते हैं। आजीविका चलाने के लिए कई सालों तक औरंगाबाद के फुलंब्री में भी अखबार बेचा। उनकी लोकप्रियता को देखकर बीजेपी ने उन्हें 1985 में पहली बार विधानसभा का टिकट दिया। महाराष्ट्र सरकार में रोजगार मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद स्थित अपने घर का नाम कृषि योग रखा। राज्यपाल संवैधानिक पद है और इस पर अनुभवी व्यक्ति का आना बताता है कि राजस्थान में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश है। साथ ही हरिभाऊ के पास बड़ा राजनीतिक अनुभव है जो इनको विषम परिस्थितियों में संवैधानिक फैसले लेने में काम आएगा। आपको हरिभाऊ बागड़े का सियासी सफरनामा कैसा लगा, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।